अपराजिता जी, मेरा पहला सवाल, अगर ये कंसर्न है कि सेना की औसत आयु कम होनी चाहिए, जैसे मैंने हवाला भी दिया बाकी देशों में औसत आयु कम है, फ्रांस में कम है, रशिया में कम है, अमेरिका में कम है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है क्या कि हम अनस्किल्ड अनट्रेन्ड जवान को खड़ा कर देंगे दुश्मन की फौज के सामने? आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम मैम। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच के साथ हम अपनी बातचीत आरंभ करें तो बेहतर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी या उनकी सरकार के हर एक विषय पर या उनकी योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है सही नहीं है। जून 2022 में इस स्कीम का, अग्निवीर स्कीम का शुभारंभ किया गया था। 1 लाख से अधिक हमारे नौजवान या फिर 200 युवतियां भी हैं इस अग्निवीर से संबंधित कार्य कर रही हैं या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हमने लद्दाख में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि हमें अपनी सेना की आयु को कम करना है। और मुझे लगता है अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह का जब पदक्षेप या कोई कार्यक्रम बनाया जाता है उसके पीछे मंशा रहती है, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी, कोई योजना रहती है। और यहाँ मैं निश्चित तौर पर कहूँगी कि सेना की आयु को कम करना यह हम सबका एक बड़ा ध्येय है। इसके अलावा नौजवानों को 4 वर्ष की नौकरी देना, उन्हें अनुशासित करना और निकलते वक्त 11 लाख से अधिक रुपए को लेकर जाना, निश्चित तौर पर उनके लिए ये बहुत बड़ा अनुभव है जो उन्हें आगामी जीवन में तैयार करेगा। 25% ऐसे भी अग्निवीर हैं जो रेगुलर हो जाते हैं, जिन्हें अपराजिता जी, इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था। मैं चाहती हूं कि आप उस पर, आप एक बेहद शानदार प्रवक्ता होने के साथ साथ संजीदा महिला भी हैं अपराजिता जी, तो मेरा कंसर्न और मेरा सवाल ये था आपसे कि ठीक है, औसत एज तो हमने ग्लोबल औसत एज के बराबर कर ली जो 7 से 8 बरस में हो जाएगी अग्निवीर के तहत, लेकिन हम ये मात्र 6 महीने की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं अग्निवीर को, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग है, हमारा एक रेगुलर सोल्जर 19 महीने की यानी कि 5000 घंटे की जबरदस्त ट्रेनिंग लेता है तब तैयार होता है वो रेजिमेंटल, एक तरीके से रेजिमेंटल फोर्स के लिए, तो हम अनस्किल्ड अनट्रेन्ड जवान को भेज रहे हैं भाई वॉर जोन में जाइए, युद्ध में खड़े हो जाइए शत्रु की फौज के सामने? देखिए, मैं कह दूं कि 6 महीने की ट्रेनिंग, 4 साल का यह कार्य है, पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और 3.5 वर्ष तक उन्हें काम में लगाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी BSF की बात हो या फिर CRPF की बात हो, उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की है कि इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ रिजर्वेशन रखेंगे, 10% रिजर्वेशन रखेंगे, तो इंडक्शन ट्रेनिंग इन्हें फिर से दी जाएगी। और ऐसा यह ना समझे कि मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, BSF, CRPF, CISF, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तो रिक्रूटमेंट बाद में करना है आफ्टर 4 इयर्स, ये 4 साल का जो वक्फा है जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल काम करना है, अब उसमें कभी भी युद्ध की स्थिति आ सकती है, इस बात को तो ना मैं खारिज कर सकती ना। मैं बता रही हूँ, मुझे बोलने दें गरिमा जी, मुझे बोलने दें, मैं आ रही हूँ। देखिए, ऐसा है कि यह सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम दूसरे देशों से भी अच्छी बातें सीखते हैं और दूसरे देशों का अच्छी चीजों को लेकर अनुकरण करना भी सही होता है। ब्राजील में, जॉर्जिया में, लिथुआनिया में, स्विट्जरलैंड में, साउथ कोरिया में, इसराइल में, अमेरिका में, ब्रिटेन और रशिया में और चाइना में इस तरह की स्कीम लागू है। हम अपने जवानों को, हम अपने युवाओं को हम अनुशासित कर रहे हैं, एक दरवाजा उनके लिए खोला जा रहा है और मुझे लगता है कि हम सब इसे सकारात्मक सोच के साथ ग्रहण करें। और जहाँ तक इन्हें दायित्व देने का सवाल है तो 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद जो भी सही दायित्व मिलना चाहिए उन्हें दिया जाता है, उसके बाद कहाँ रखना है, क्या रखना है, मुझे लगता है कि वहाँ की जो सेनाधिकारी हैं, वहाँ के जो 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 लीडर्स हैं, जो सीनियर आर्मी पर्सोनल्स हैं या नेवी या एयरफोर्स पर्सोनल, वो लोग डिसाइड करेंगे, वो लोग निश्चित करेंगे इन्हें कहाँ रखा जाए। मैम, उनके लिए तो ये जो हमारी आर्मी है, जो आर्म फोर्सेस को लेकर हम इस स्कीम को, इस योजना को, ये ब्लू फ्रॉम द बोल्ट है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है,
ये वज्रपात जैसा है, शॉकिंग है। देश की सेना तो जानती नहीं थी कि ऐसा कोई टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम भारत सरकार लेकर आ रही है। देखिए मैं आपको कह दूं कि कमिटियों के अनुमोदन के बाद, उनके प्रस्तावों के बाद, उन प्रस्तावों का अनुसंधान और विश्लेषण करने के बाद जून 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। कारगिल रिव्यू कमिटी 2000 की, मैं आपको बता दूं, बहुत पुरानी कमिटी का भी रेकमेंडेशन था और उसके अलावा भी बहुत सारी कमिटियों के रेकमेंडेशन के विश्लेषण के बाद ये किया गया है, सोच समझ के किया गया है। और जहां तक अग्निवीरों का सवाल है, वे प्रसन्न है, आनंदित है, अच्छा काम हो रहा है और हम अच्छे नजरिए से इसे देखें। यह मेरी गुजारिश होगी यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में 26 साल औसत आयु है, हमारे यहाँ 32 साल औसत आयु है, तो हम क्यों ना कम करें। यह अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि हम खुले दिल से इसका स्वागत करें। तो मैम सेना को शामिल करना चाहिए था, सेना ने तो कह दिया, आपने देश की फोर्स अगर ये कह रही है, एमएम नरवणे साहब कह रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत जब थे उनके समय पर ये प्रस्ताव सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी का रखा गया। उन्होंने कहा कि साइड बाय साइड रेगुलर सैनिकों की भर्ती भी चलती रहे और टूर ऑफ ड्यूटी को एक पार्शियल तरीके से इंड्यूस किया जाए, जिसमें 75% को रेगुलर किया जाना था, 25% को बाहर कर दिया जाना था 4 साल बाद। तो सेना ने जो प्रपोजल दिया ये उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। यह उनका मंतव्य था, मानती हूँ, लेकिन कारगिल रिव्यू कमेटी 2000 और शेकातकर कमेटी 2017 के प्रस्तावों को भी आप पढ़ें तो हर व्यक्ति अपना मंतव्य देता है, हम सबके मंतव्य को सम्मान देते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेटियों की जो सिफारिशें हैं उसके मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी स्कीम, अच्छी मंशा के साथ शुरू की गई और मुझे लगता है कि अभी तक 2022 से लेकर अब तक बहुत अच्छे ढंग से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और हम सकारात्मक तरीके से इसे देखें।